जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, प्रतिदिन की तरह जो आज की सीसीएस यूनिवर्सिटी की न्यूज है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, और साथ के साथ जो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके भी आंसर करने वाला हूं। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि जिसका हजारों बच्चे इंतजार कर रहे थे अब उसके लिए सीसीएस यूनिवर्सिटी ने आदेश जारी कर दिया है, तो वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं जो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके बारे में। साथियों, काफी सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपने रिजल्ट को लेकर, यानी कि जो उनके एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, यानी कि चाहे वो फाइनल ईयर का है या फाइनल सेमेस्टर का है। तो साथियों, रिजल्ट में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो गवर्नमेंट की तरफ से आदेश किया गया है कि रिजल्ट को बहुत जल्द जारी किया जाए, यानी कि सितंबर के अंदर अंदर में रिजल्ट जारी किया जाए, जिससे कि आगे एडमिशन की प्रक्रिया शुरू की जाए और नए सत्र में एडमिशन की प्रक्रिया में डिले ना हो। तो जो आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट है वो बहुत जल्द डिक्लेयर किया जाएगा, यानी कि उनके ऑलमोस्ट एग्जाम फिनिश हो चुके हैं। जो एक या दो पेपर पोस्टपोन हुए थे जो उनके एग्जाम होने हैं उनको छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट की जो कॉपियां हैं वो चेक होना स्टार्ट करा दी गई हैं। अब इससे आगे बात करें, जो हमारा एलएलबी है, एलएलबी में ऑप्शन दिया है जिन बच्चों के प्रैक्टिकल छूट गए थे, यानी कि जिन बच्चों के प्रैक्टिकल छूट गए थे और कालाबाधित छात्र में वो नहीं आते हैं, तो उनका जो प्रैक्टिकल है वो 28 तारीख को है, और वो 28 तारीख को जो प्रैक्टिकल होगा वो उनका ऑफलाइन होगा। यदि ऑनलाइन देना चाहते हैं तो ऑनलाइन की भी क्या रखी हुई है, ऑनलाइन के लिए भी ऑप्शन दिया गया है। तो ऑनलाइन के लिए आपको 25 तारीख तक अपनी जो प्रैक्टिकल की फाइल है वो सबमिट करानी है। यदि आप 25 तारीख तक सबमिट नहीं कराते हैं तो फिर आपको ऑफलाइन ही देना पड़ेगा। दूसरा है, साथ के साथ यदि आप जब ऑनलाइन आप प्रैक्टिकल देंगे तो यदि नेट की या किसी भी टाइप की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होती है तो उसमें आप एब्सेंट माने जाएंगे, उसमें यूनिवर्सिटी का कोई रोल नहीं होगा। अब आगे बात करते हैं जिसके लिए हजारों बच्चे परेशान थे नए सत्र के एडमिशन को लेकर, कि नए सत्र का एडमिशन का जो पोर्टल है वो कब से ओपन होगा। तो उसके लिए सीसीएस यूनिवर्सिटी ने आदेश जारी कर दिया है, जो नए सत्र में जो एडमिशन का पोर्टल है वो कल से ओपन कर दिया जाएगा, यानी कि यूजी के लिए कल से आप अपना आवेदन कर सकते हैं एडमिशन के लिए सीसीएस यूनिवर्सिटी में। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी में आप आवेदन कर सकते हैं, कल से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी जाएगी। अब उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, उसमें जो दो तीन चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। बाकी इस पर पूरे टॉपिक पर मैं वीडियो आपको बनाने वाला हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ये सब सारी चीजें। तो इसमें सबसे पहला, जो आप अपना रजिस्ट्रेशन करें तो उसमें याद रखिएगा अपना ही मोबाइल नंबर अपडेट कराएं, अपना मोबाइल नंबर जिस पे आपका व्हाट्सएप चलता हो, तो ज्यादा बेटर रहेगा कि उसी नंबर को आप अपडेट कराएं। दूसरा, जो मेल आईडी हो वो भी आप अपनी ही रजिस्टर्ड कराएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इन दोनों चीजों का बहुत ध्यान रखना है, अपना मोबाइल नंबर और अपनी मेल आईडी, यानी कि साइबर कैफे से भी यदि कराते हैं तो अपना ही मोबाइल नंबर आपको अपडेट कराना है और अपनी ही मेल आईडी अपडेट करानी है। रजिस्ट्रेशन के लिए कितना शुल्क रहेगा, रजिस्ट्रेशन में इसमें आपका 115 रुपए का चार्ज लगता है, यानी कि 115 रुपए आपको रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होता है। दूसरा है, जो अब इसमें जो एडमिशन की प्रक्रिया कैसे होती है, तो इसमें आपको तीन कॉलेज की चॉइस फिल कराई जाएगी, यानी कि तीन कॉलेज आपको चूज करने हैं, उसमें आपका मेरिट के बेस पर फिर एडमिशन कराए जाते हैं। तो मेरिट के बेस पर फिर इसमें एडमिशन की प्रक्रिया रखी जाती है। तो एडमिशन की प्रक्रिया क्या रहती है, किस तरीके से हमें रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, तो इस टॉपिक पर मैं आपको एक वीडियो सेपरेट बनाने वाला हूं। तो उसके लिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।